बेहोश हो गया तो उसके बाद हम लोग को करना है, अगर वो बात कर रहा है तो उसका जरूरत नहीं है, ठीक है। जब ज्यादा सीपीआर कर दिया जाता है, जब हार्ट का फंक्शन उसका बंद हो गया तो उस टाइम पे करना है। तो उस टाइम पे क्या करना है कि बंदा को ऐसे अच्छी जगह पे लटाना चाहिए, ये नहीं कि कहीं ऊपर नीचे जगह जगह पे उसको लटाना चाहिए। उसके बाद उसका जो भी कपड़ा वगैरह पहना हुआ उसको खोलना चाहिए, ठीक है ना, उसको खोल देना चाहिए ताकि उसका फ्रेश फ्रेश हवा लगेगा। तो उसके बाद उसका मुंडी जो है ना उसको हल्का ऊपर करना चाहिए, क्योंकि मुंडी को अगर सीधा रहेगा तो क्या होगा, अंदर का हमारा जो जीप है वो अंदर जाके जो एयर वे उसको बंद कर देगा। तो मुंडी को हल्का ऊपर करेगा ना, थोड़ा से ऊपर करने से आपका जो ऑक्सीजन एयर वे है वो क्लियर हो जाए। तो उसके पहले उसका मुंह पे देखना है कि उसका मुंह पे कुछ है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आदत है च्युइंगम तंबाकू ये सब खाता है, तो आप वो देखा नहीं है उसमें फूक रहे हो तो जगह ब्लॉक हो जाएगा, बाद में वो और इमरजेंसी हो जाएगा उसको। तो पहले उसका मतलब मुंह पे देखना कि कुछ खा रहा है कि नहीं, उसको खाएगा तो उसको कैसे निकालना है, जो हमारा जो उंगली है उसको ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे निकालना, ऐसे फेंकना है। वो तो करता है सभी जो भी लोग करता है वो एक उंगली लगाता है ऐसे करके निकाल के कर दिया, ठीक है, मुंडी हल्का करना है। बाद में इसको अभी फूकना कैसे है, तो आप जित फूकने से पहले आप नाक को बंद करना है। नाक को क्यों बंद करना है, देखो आप मुंह पे फूकते रहेगा नाक को बंद नहीं करेगा तो पूरा नाक के द्वारा तरफ बाहर आ जाए। तो पहले नाक को बंद करना है, उसके बाद फूकना कैसे है, ऐसे नहीं, आप अपना जो पेट बोलते ना नीचे का वहां से आना चाहिए। तो पहले आपको अंदर लेना चाहिए, हवा को अंदर लेना चाहिए। अभी पैंट टाइट है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको हवा देना है उसके बाद, उसके बाद उसको करना है। वो भी अभी देखो इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हमारा हार्ट है कौन सा तरफ, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, लेफ्ट 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 साइड भी नहीं है राइट साइड भी नहीं है, देखो यहाँ पे हमारा ये अच्छा हार्ट बीच में है ना, बीच में जहाँ दोनों हड्डियाँ ऐसे होता है ना, थोड़ा से लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है ना, बिल्कुल लेफ्ट में नहीं है, थोड़ा सा हल्का लेफ्ट साइड में रहता है एक इंच में, ठीक है। तो वहां पे आपको दबाना है, और दबाना कैसे है, एक हाथ से नहीं है, दो हाथ से नहीं है, तो उसका एक तरीका है। और इसको ना कोई कोई ऐसे करता है, कोई कोई ऐसे करता है, नहीं सीधा रहेगा आपका एल्बो जो है ना सीधा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि आपका जितना भी लोड है वो आपको छाती में जा सकता है। घुटने के बल बैठोगे तो हो ही जाएगा, नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब है आपका जो क्या बोलता है हैंड जो बिल्कुल सेट होना चाहिए। और इसका कंप्रेशन कितना देना ये भी एक डाउट होता है, दो इंच कुछ लोग बोलता है कि ज्यादा नहीं करना है, कुछ लोग बोलता है ज्यादा करना है। तो इसमें क्या फंडा है कि अगर इसका जो यहाँ पे जो हड्डी है अगर वो टूट भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मेन मोटिव इसका हार्ट को फंक्शन करना है। तो आप जितना भी जोर से दबा सकते हो मगर कोशिश करो ये टूटना नहीं चाहिए, मगर अब टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसके लिए बहुत सारा सर्जरी वगैरह करके कुछ तो कर सकता है। मेन फंक्शन हमारा बचनी चाहिए पहले, मेन फंक्शन इसका लाइफ बचना है, लाइफ बचाना है। और इसका कोई लिमिट होता है, मैंने एक मिनट में 60 बार या 30 बार दबाने के लिए बोलता है कि इसका मतलब है 30 बार दबाना उसके बाद उसको ये देना है, ठीक है, फूकना फिर 30 बार दबाना फिर फूकना, ऐसे होता है। कुछ लोग क्या करता है दबाते रहता है फूकता नहीं है, कुछ लोग फूकता है दबाता नहीं है। तो इसका मेन फंडा है वसा स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ा था कि 30 बार दबाना और इसको फूकना फिर दबाना फिर फूकना, कब तक करते रहेंगे, जब तक आपका एक्सटर्नल जो मिल नहीं रहा तब तक आपको करना है। स्टार्टिंग में क्या करेगा तंबी, पहले वो एयर देगा या पहले प्रेस करेगा, पहले एयर देना, पहले एयर देना, पहले एयर देना, पहले एयर देना है, बाद में दबाना भी जरूरी है ना, ये तो आपको चालू करने के लिए देना ही पड़ेगा, बिना ये दिए वो होगा ही नहीं। और इसमें एक कुछ लोगों का लगता है यार ये कौन है क्या बंदा पता नहीं है, हम इसका मुंह पे अपना मुंह रख के कैसे फूकेंगे। तो ऐसे जगह में आपको क्या करना, अपना हैंडकरचीफ यूज कर सकता है, ठीक है ना, आप किसी का जान बचा रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकता है। मगर आपको अगर ऐसे लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है कि कैसे कर रहा है, तो आप अपना हैंडकरचीफ डालो फूको और okay, तो बहुत बढ़िया।